बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में जेल में बंद लोगों से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बलौदाबाजार जिला जेल में जाकर मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अमित जोगी ने प्रकरण में पुलिस के द्वारा लगभग 14,820 पन्ने के 13 अभियोग पत्रों की खामियां निकालते हुए मीडिया के सामने पुलिस की विवेचना की धज्जियां उड़ाई। अमित ने एक अधिवक्ता होने के नाते अभियोग पत्रों में 11 ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसके आधार पर उन्होंने पुलिस की विवेचना को पूरी तरह फर्जी और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित करार दिया। देखिए, मैंने जो 356 लोगों की जो आरोपियों की सूची बनी है, इनमें से 186 अंदर है अभी आपकी अलग अलग जेलों में। 86 तो आपके इसी जेल में है और बाकी रायपुर जेल, बिलासपुर जेल और अंबिकापुर जेल में है। तो जब तक मैं ये पूरी 356 की सूची नहीं पढ़ लूंगा, पर हाँ, एक नाम तो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है, देवेंद्र यादव जी का नाम। और मेरा ये मानना है कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं। वो प्रशासन का क्या कहना है वो तो दिख रहा है। प्रशासन इसका राजनीतिकरण करना चाहता है, वो ध्रुवीकरण चाहता है। हिंदू वर्सेस सतनामी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वो हमारे समाज को राजनीतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, धर्म के आधार पे अलग अलग संप्रदायों में बांटना चाहता है, नफरत की दीवारें खड़ा करना चाहता है, ताकि इस नफरत की आग की आड़ में वो अपने जो घनिष्ठ मित्र लोग हैं गुजरात वाले, उनको हमारा पूरा जो संपदा है, हमारे प्रदेश का जो पूरा खजाना है, वो बेच सके।